हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर एलगी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ पार्ट इसका ऑलरेडी इससे पहले के लेक्चर में अपलोड हो चुका है, ठीक, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने सेल किस किस टाइप की हो सकती हैं एलगी में, प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में डिस्कशन किया था। इसकी सेल वॉल का कंपोजिशन के बारे में देखे थे, कौन से क्लास में क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलेरोफाइसी, जेंथोफाइसी, जितने भी क्लासेस हैं सब में किस किस कंपोजिशन से मतलब बनी होती हैं सेल वॉल, इसके बारे में डिस्कशन किए थे। और इसके न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गोल्जी बॉडीज़ या डिक्टियोसोम्स जो एल्गी में प्रजेंट होते हैं, इस पर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग बचे हुए जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं एल्गी के, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट के साथ। तो अगला मैक्रो सेल ऑर्गेनेल्स है, बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकांड्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोकांड्रिया के बिना जीवन असंभव नहीं है, ऊर्जा का उत्पादन यहीं से होता है, टीबी का प्रोडक्शन। तो इसको देखते हैं एल्गी में किस तरह का माइटोकांड्रिया होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड माइटोकांड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल एल्गी सेल्स, जितने भी अलगल हैं सेल्स हैं एल्गी की, जो सेल्स हैं उसमें सब में काफ़ी डेवलप्ड माइटोकांड्रिया प्रेजेंट होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, आपको कई बार में क्लास मेरी देखते होगे तो अच्छे से अब तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोफाइसी और बीजीए, ये सब उन्हीं का एक ही का नाम है, ठीक। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो माइटोकांड्रिया अब्सेंट होता है, तो इसमें ये एक्सेप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी जितने भी एल्गी हैं सभी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, और सब में वेल ऑर्गेनाइज्ड माइटोकांड्रिया, काफ़ी डेवलप्ड माइटोकांड्रिया मिलती है, जैसे कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट में, प्लांट सेल में मिलती है या हम लोगों में मिलती है, उसी तरह से होती है। आ माइटोकांड्रियन इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि आप लोग जानते हो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होगी, ठीक है, जिससे क्रिस्टा बनेंगे, और जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस बोलते हैं या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। अगर माइटोकांड्रिया का लेक्चर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, माइटोकांड्रिया जिसमें मैंने पढ़ाया है पूरा डिटेल में नॉलेज दिया है, तो इसमें देखते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनटू ल्यूमन एंड फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इस तरह से ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह से इनर प्रोजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, क्रिस्टी हैं, इसके ये क्रिस्टी दिखाए हुए हैं, ये क्रिस्टा क्रिस्टा क्रिस्टा, ठीक है, तो फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। देयर आर यूजली फ्यू क्रिस्टी इन, इसमें जो है कुछ ही क्रिस्टी होती हैं क्लोरोफाइसी में, एंड मैनी इन क्राइसोफाइसी। जो क्राइसोफाइसी के मेंबर्स हैं उनकी सेल में जो माइटोकांड्रिया होगा उसमें क्रिस्टा ज़्यादा प्रेजेंट होंगे कंपेरिजन टू क्लोरोफाइसी। और जो फियोफाइसी हैं, जेंथोफाइसी हैं, ये सब काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है माइटोकांड्रिया, तो उसमें क्रिस्टे के नंबर ज़्यादा होगा। द ल्यूमन सराउंडेड बाई बाउंडिंग मेम्ब्रेन्स इज फिल्ड विद आ ग्रेन्यूलर मैट्रिक्स विच कंटेंस न्यूक्लिक एसिड, जैसे आरएनए एंड डीएनए, दियर शेप एंड नंबर पर सेल्स वेरीज। देखो मतलब सेल टू सेल वेरी कर सकता है, कौन सी सेल ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा एक्टिव होगी एनर्जी वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी, यहाँ ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा नंबर होगा माइटोकांड्रिया का, ठीक है। तो वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी, अलग अलग एल्गी के ग्रुप जो हैं क्लास उसमें अलग अलग नंबर हो सकता है। देयर आर यूजली मोर देन वन माइटोकांड्रिया पर सेल, मतलब यूजली मुख्यतया बताया जा रहा है कि हर सेल में एक तो पक्का 100% होगा ही, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। बट इन माइक्रोमोनास, जो माइक्रोमोनास है ये मेंबर है क्लोरोफाइसी का, ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया। तो माइक्रोमोनास में जो कि क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है, इसमें सिंगल एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रजेंट होता है। द रेस्पिरेटरी इंजाइम्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड हेंस माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द सेल, ठीक, तो रेस्पिरेशन इसमें होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो द साइट्स ऑफ एंजाइम एक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड अमाइनो एसिड इंटर कन्वर्जेंस, ठीक है, तो ये जो कुछ एक्शन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हैं जो कि एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। एल्गी का माइटोकांड्रिया एंजाइम एक्शन
इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है क्योंकि उसमें अपने खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया में, इसका खुद का डीएनए भी होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स होता है, ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जानते ही हैं, पहले से आपको पता ही होगा। फिर अगला सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईआर। इसमें दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक कैसा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स चिपके होंगे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं, द साइटोप्लाज्म ऑफ द अलगल सेल इज ट्रांसफर्ड बाय अ सेल इज ट्रेवर्स्ड बाय अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स ही होती हैं। अगर सेल के स्केलेटन का बात की जाए तो वो भी उसमें भी काफ़ी भूमिका निभाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, उससे कनेक्ट रहती है एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन, बट डज नॉट पेनिट्रेट अदर सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड। ये दूसरे जो होते हैं, दूसरे ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना उससे चपके होंगे। द सरफेस ऑफ ईआर, ईआर मींस वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इज स्टडीड विद राइबोसोम्स, इसमें चिपके रहते हैं। द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है। बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं क्योंकि एल्गी हैं, एल्गी लोअर प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स भी नहीं कह सकते उनको, लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगला है आई स्पॉट और स्टिग्मा, ये एक एडिशन पार्ट है, ठीक है। अभी तक इससे पहले शायद आप लोग नहीं ही पढ़े हों, दूसरे जो ग्रुप हैं हम लोग अभी तक पढ़े ना, एनिमल में मिलता है। तो आई स्पॉट ये स्पेसिफिक कैरेक्टर भी है एल्गी का, इसमें प्रेजेंट होता है, स्टिग्मा बोलते हैं। द मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंटेड स्पॉट नॉन एज आई स्पॉट और स्टिग्मा। ये तुमको कहाँ मिल जाएगा, प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा, जो यूगलिना होता है उसमें होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन एंड स्ट्रक्चर फाइव टाइप्स ऑफ आई स्पॉट्स आर रिकोगनाइज। इनके जो पोजिशन है सेल के अंदर, जो पोजिशन होती है, इंटेरियर एंड पे होंगे या कहाँ मिड में होंगे, सेंटर में, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इस स्ट्रक्चर के बेस पर इसको फाइव टाइप में डिवाइड किया गया। पहला टाइप है आई स्पॉट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड इट हैज नो एसोसिएशन विद फ्लैजेला। अगर आई स्पॉट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है और फ्लैजेला से इसका कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, तो ऐसे किस में पाए जाएंगे, क्लोरोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी, ये दो जो ग्रुप हैं इसमें ऐसे पाए जाते हैं आई स्पॉट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं और उनका फ्लैजेला से कोई एसोसिएशन नहीं होता है। सेकेंड टाइप आई स्पॉट इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड एसोसिएटेड विद आ स्वेलन फ्लेजलम, मतलब ये जो मेंबर्स ऑफ क्राइसोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, जेंथोफाइसी जिसमें वाउचेरिया होता है, तो ये कुछ ग्रुप हैं जिसमें आई स्पॉट लोकेटेड तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है लेकिन ये फ्लेजलम से एसोसिएटेड होता है। टाइप थर्ड आई स्पॉट्स आर इंडिपेंडेंट क्लस्टर्स ऑफ ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड आर सिचुएटेड एट द इंटेरियर साइड ऑफ द सेल। अभी आपको बताए थे इंटेरियर पार्ट में हो सकते हैं, मतलब सेल के एक छोर में, एक साइड में प्रेजेंट होते हैं, नियर द फ्लेजलर स्वेलिंग, जो फ्लेजला होता है, देखो इस तरह से सेल होती है, कोई भी सेल है, अब आउटर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसी की आउट ग्रोथ हो जाती है जिससे कि फ्लेजला बन जाता है इस तरह से, ठीक है, फ्लेजला बाहर निकल आता है, कॉमनली ऐसे दिखाया जाता है फ्लैजेला, ये समझ लो इनर मेम्ब्रेन के में इन्वेजिनेशन होता है, आउट ग्रोथ हो जाती है जिससे फ्लैजेला बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्वेलन पार्ट होता है फ्लैजेला का, जहाँ फ्लैजेला का बेस है, जहाँ से फ्लैजेला का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहीं पर इंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट, तो एक छोर में एक साइड में प्रेजेंट है जिधर फ्लैजेला निकला हुआ है। तो इस आई स्पॉट जो है ये किसमें पाया जाता है, यूगलिनोफाइसी में, किसमें, यूगलिनोफाइसी, जिसमें यूगलिना भी आता है, तो यूगलिना
जैसे कि एनिमल और प्लांट दोनों ही जैसे बिहेव करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। अगर लाइट प्रेजेंट है और लाइट अब्सेंट होगी तो जैसे एनिमल बिहेव करते हैं वैसे करता है। मिक्जोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें। तो यूगलिना को हम एल्गी में भी पढ़ते हैं और प्रोटोजोआ में भी पढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप डी, फोर्थ टाइप, आई स्पॉट्स हैविंग ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर विद मेम्ब्रेनस लेमेली एंड आर सिचुएटेड नियर प्लाज्म फ्लेजुलर बेसिस एज इन डाइनोफाइसिस। तो जो डाइनोफ्लेजलेट होते हैं, डाइनोफ्लेजलेट, उसमें इस टाइप का पाया जाता है। और लास्ट टाइप है पांचवा टाइप, आई स्पॉट इज मेड अप ऑफ अ लेंस, ठीक है, एक लेंस से बने हुए होते हैं, रेटिनॉइड एंड पिगमेंटेड कप, जिसमें रेटिनॉइड और पिगमेंटेड कलर कप जैसे स्ट्रक्चर होता है। दीज आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ आई स्पॉट्स एंड आर फाउंड इन सम डाइनोफाइसिस, ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर हैं डाइनोफाइसी के जिसमें इस तरह का पाया जाता है। ये सबसे काफ़ी डेवलप्ड होता है, जिसमें पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर हो, लेंस के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक कप लाइक होता है जिसमें पिगमेंट भरे होते हैं, और रेटिनॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑल्दो द आई स्पॉट इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल्स, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, जैसे यूगलिना होता है तो यूगलिना में सेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है। अगर आप लाइट, जैसे ही लाइट मिलेगा तो उसको पता चल जाता है, ठीक है, उसमें कुछ स्टिमुलाई पहुंच जाते हैं, कुछ केमिकल स्टिमुलाई या फिजिकल स्टिमुलाई उसको इस तरह से पता चल जाता है कि आगे लाइट है या नहीं है। तो लाइट के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, आई स्पॉट के थ्रू ही सेंसिटाइजेशन होता है उनके बॉडी में। विच डायरेक्ट द मोमेंट ऑफ स्विमिंग सेल्स, ठीक है, जो कि डायरेक्शन देता है, जैसे हम लोगों की आई जो है रियल आई, ये कार्य करती हैं देखने के लिए, पहचानने के लिए, मोमेंट करने के लिए। हम लोग कहीं जाते हैं तो आंखों से देख के ही तो जाते हैं, उसी तरह से ये भी कार्य करता है जो प्रिमिटिव लोअर ऑर्गेनिज्म है। सर्टाइन म्यूटेंट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास लेक आई स्पॉट एंड आर स्टिल फोटो टिकटिक। सम वर्कर्स कंसिडर्स द आई स्पॉट एज अ सेडिंग ऑर्गेनेल विच पॉसिबली मॉडिफाइज द ऑप्टिकल क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बिफोर इट इज फोकस्ड ऑन द फ्लेजुलर स्वेलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू फ्लेजुलर स्वेलिंग रेदर देन आई स्पॉट इज द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये प्राइमरी रिसेप्टर है लाइट का, इसके बाद में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ था जो कि सेंसरी ऑर्गन्स का फॉर्म जो है इवोल्यूशन होने लगा था, ठीक है, डेवलपमेंट चालू हुआ था। तो ये प्राइमरी रिसेप्टर होते हैं लाइट के, लाइट को रिसीव करने वाले। अगला है वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स जैसे कि प्लांट में बहुत ज़्यादा पाए ही जाते हैं, बहुत बड़ा साइज होता है इनका, लार्ज साइज के होते हैं। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, छोटा। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, देखो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है वाटर को कंजर्व रखना, ठीक है, स्टोर करके रखना। तो एनिमल में वाटर को ज़्यादा स्टोर करके रखने की ज़रूरत है या फिर प्लांट में, तो प्लांट्स में ज़्यादा है कंपेरिजन टू एनिमल्स, क्योंकि अगर दो तीन चार दिन तक भी पानी ना मिले प्लांटों को तो सूख जाएंगे तुरंत। तो इसलिए वो सेल में स्टोर करके रखते हैं मैक्सिमम वाटर अपने सेलुलर फंक्शन के लिए। तो वैक्यूल्स जो एल्गी हैं, एल्गी भी क्या है, प्लांट लाइक ही हैं, तो इसमें भी वैक्यूल्स होगा, एक्सेप्ट साइनोफाइसी। साइनोफाइसी मतलब साइनो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जैसे हैं, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हो, इसमें नहीं होता है, ठीक है। मैच्योर सेल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी पजेस वन और मोर वैक्यूल्स, एक और एक से अधिक भी हो सकते हैं। ईच वैक्यूल इज बाउंडेड बाई अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। आपको पता ही होगा, वैक्यूल पढ़े होगे, तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मोटाइल अल्गल सेल में हैव द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल में जिसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, उनमें दो टाइप के हो सकते हैं वैक्यूल्स। तो पहला टाइप है सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसमें साधारण वैक्यूल है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, संकुचित हो सकता है। सच वैक्यूल्स फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, सो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे ठीक, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे हमारा हार्ट है ना, उसका कुछ फिक्स टाइम होता है, उस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो मस्कुलर हार्ट है हमारा, उसके मसल्स कुछ फिक्स टाइम पे ही करती हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, अगर नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है आपकी, भाग दौड़ नहीं रहे हो, एकदम शांत बैठे हो, तो जो कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो फिक्स टाइम पर होता है, पीरियोडिक होता है। इसी तरह से जो क्लोरोफाइसी में सिंपल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रजेंट होते हैं, वो कैसा शो करते हैं? पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, उसमें फिक्स टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक दैनिक मतलब उसमें एक लय होती है फिक्स टाइम पे, एंड थ्रो आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अगला है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स। अ कॉम्प्लेक्स वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब लाइक साइटोफेरिंग्स, अ लार्ज रिजर्वियर, अ ग्रुप ऑफ वैक्यूल्स ऑफ वेरिंग साइजेस। ठीक है, तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स। ऑल दीज पार्ट्स वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। इनमें जो है काफ़ी कोऑर्डिनेशन होता है, काफ़ी समन्वय होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकते, एक दूसरे से समझ मतलब मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑल दीज पार्ट्स वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। दीज वैक्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइनोफाइसिस और यूग्लिनोफाइसी। ठीक है, तो जो डाइनोफ्लेजलेट होते हैं और यूग्लिनोइड, जैसे कि यूग्लिनोफाइसी में यूग्लिना भी आता है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का वैक्यूल होता है। वैक्यूल्स एक्ट एज द मैन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। ऑस्मो रेगुलेटरी मतलब उसमें ऑस्मो रेगुलेशन करता है, जो आयनिक बैलेंस है उसको, केमिकल और आयनिक बैलेंस को बनाए रखते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि उसमें वाटर होता है। तो जब पूरी सेल में आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है सेल में, जो वैक्यूल होता है वैक्यूल से वाटर का ट्रांसफर हो जाता है सेल में। अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी आयोनिक कंसंट्रेशन, तो वाटर को खींच लिया जाता है। तो इस तरह से मैनेज करता रहता है वैक्यूल इन द सेल एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। ठीक है, वही बता रहा था मैं अभी आपको, अच्छे समझ में आ गया होगा। इन होलोजोइक फॉर्म्स द साइटोफेरिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स सर्व्स एज गलेट। गलेट किसमें होता है? गलेट पड़े होंगे पैरामीशियम में। ठीक है, समटाइम्स वैक्यूल्स आल्सो स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल सच एज लेमिनेरिन एंड क्राइसोलेमिनेरिन। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, वो कभी कभी फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर कर सकता है काम लगने पे। ठीक है, तो लेमिनेरिन और क्राइसोलेमिनेरिन, ये सब फियोफाइसी में स्टोर फूड मटेरियल है इसका। ठीक है, अगला गैस वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो गैस वैक्यूल जो है, दीज गैस कंटेनिंग कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेच्योर हेल्दी सेल्स ऑफ साइनोफाइसी। तो ये गैस वैक्यूल मेनली किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में होता है। तो साइनोफाइसी क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, ब्लूग्रीनिली। तो इसमें क्या होता है? गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दे अकर्स एज स्टैक्स ऑफ, ये स्टॉक ऑफ स्मॉल ट्रांसपेरेंट सिलेंडर्स ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। देयर वॉल्स आर फ्रीली परमिएबल टू गैसेस। इसमें जो इनकी वाल होती है, गैस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, वो गैसों के लिए फ्रीली परमिएबल होती है। दे रेंडर बायोंसी, ठीक है, रेंडर बायोंसी टू प्लैंकटोनिक फॉर्म्स। प्लैंकटोनिक फॉर्म्स मीन्स जो वाटर पे ऐसे ही फ्लो करते रहते हैं, किसी भी चीज़ से चिपके हुए वाटर की धारा में जो करंट होता है, वाटर करंट जल की धारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं, उनको प्लैंकटोनिक बोलते हैं। दे आल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट इंटेंस लाइट। ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी भी होती है, क्योंकि इसमें आई स्पॉट प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइनोफाइसी एक्सेप्शन था ना आई स्पॉट में, आपको बताए थे, तो साइनोफाइसी में होता नहीं है, तो इसलिए इसमें लाइट सेंसिटेशन के लिए गैस वैक्यूल भी थोड़ा थोड़ा फंक्शन ऐसे कर देते हैं। तो आज से हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले पार्ट में जो पिगमेंट्स हैं एल्गी में, एल्गी के पिगमेंट्स पे अगला लेक्चर आएगा, उसके बाद में फ्लैजुलर सिस्टम इन एल्गी। ये पिगमेंट और फ्लैजुलर सिस्टम और रिजर्व फूड मटेरियल, ये तीन टॉपिक एल्गी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसको मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कवर करने की। तो आप लोग अच्छे से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।